चलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबरनेटिस का अगला टॉपिक। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्यूबरनेटिस के बारे में। तो आज के टॉपिक का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यूबरनेटिस रेप्लिकेशन टाइप के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, क्यूबरनेटिस रेप्लिकेशन टाइप के बारे में। दोस्तों अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मेरे लैंग्वेज के हिसाब से आज के टॉपिक का नाम है क्यूबरनेटिस पॉड कंट्रोलर। क्लियर? और क्यूबरनेटिस के सिलेबस के हिसाब से अगर आप टेक्निकल वर्ड की बात करें तो टेक्निकल वर्ड में टॉपिक का नाम है क्यूबरनेटिस रेप्लिकेशन टाइप। और मेरी लैंग्वेज में अगर आप समझें तो टॉपिक का नाम है क्यूबरनेटिस पॉड कंट्रोलर, क्योंकि आज का टॉपिक पॉड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में। अब जैसे कि मान लीजिए आपने ये एक पॉड बनाया, ठीक है, ये आपने एक पॉड बनाया, ये क्या है आपका एक पॉड है। इस पॉड के ऊपर आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन चला रहे हो, ठीक है, पॉड वन है। अब इस पॉड में आपकी एप्लीकेशन चल रही है। मान लीजिए अगर ये पॉड को कुछ हो जाए या आप खुद ही इस पॉड को डिलीट कर दें तो क्या ये पॉड ऑटोमेटिक रिक्रिएट होगा? तो सवाल आता है नहीं। क्यों? क्योंकि इस पॉड के ऊपर कोई भी कंट्रोलर नहीं लगा हुआ है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करें तो आप थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आ जाएं, याद होगा आप लोग जब AWS में एक इंस्टेंस क्रिएट करते थे, तो अगर आपने उस इंस्टेंस को क्रिएट किया और उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन चला दिया, अगर उस इंस्टेंस के ऊपर कोई भी कंट्रोलर नहीं है, हालांकि AWS में इंस्टांस का कंट्रोलर ऑटो स्केलिंग कहलाता है ना, तो अगर मान लीजिए उस इंस्टांस के ऊपर ऑटो स्केलिंग नहीं लगा तो वो इंस्टांस को अगर कुछ होगा या आप उस इंस्टांस को डिलीट करते हो तो वो ऑटोमेटिक रिक्रिएट नहीं होता है ना। तो सेम सिचुएशन अभी यहाँ पर पॉड के साथ यही है कि पॉड के साथ अगर कोई कंट्रोलर नहीं है तो ये अपने आप रिक्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इंस्टांस के ऊपर ऑटो स्केलिंग लगा देते हो तो अब क्या होता है कि अब वो इंस्टांस को कुछ भी होगा तो ऑटो स्केलिंग उसे मॉनिटर कर रहा होता है, और जैसे ही कुछ होता है तो क्या करता है, उसको डिलीट करके एक नई इंस्टांस क्रिएट करके दे देता है। क्यों क्रिएट करके देता है? क्योंकि इंस्टांस के ऊपर एक कंट्रोलर लगा हुआ है AWS में, उस कंट्रोलर को हम लोग ऑटो स्केलिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉड में अगर कोई एप्लीकेशन चल रही है और पॉड को अगर कुछ होता है तो ऑटोमेटिक रिक्रिएट नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोलर अभी नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर कंट्रोलर लगा दिया तो अब वो पॉड ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाएगा अगर उसको कुछ भी होता है तो। ठीक है, तो इसी तरीके से कुबरनेटिस में वो कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं, बोले तो रेप्लिकेशन टाइप कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर तीन टाइप के रेप्लिकेशन टाइप हैं, बोले तो तीन टाइप के पॉड कंट्रोलर हैं। तो तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों यहां पर आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर, सेकेंड नंबर पे है दोस्तों आपका रेप्लिका सेट, और थर्ड नंबर पे है दोस्तों आपका डिप्लॉयमेंट। तो पॉड को कंट्रोल करने के लिए तीन टाइप के कंट्रोलर हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर फर्स्ट, सेकेंड रेप्लिका सेट, थर्ड डिप्लॉयमेंट। या आप कुबरनेटिस की टेक्निकल वर्ड में बोलो तो तीन टाइप की रेप्लिकेशन टाइप है, पहला रेप्लिकेशन कंट्रोलर, दूसरा रेप्लिका सेट, तीसरा डिप्लॉयमेंट। क्लियर? तो अगर हमने इस पॉड के ऊपर कंट्रोलर लगा दिया, हमने इस पॉड के ऊपर ये कंट्रोलर लगा दिया, और इस बार मैं कंट्रोलर का टाइप यूज कर रहा हूं रेप्लिकेशन कंट्रोलर। क्या यूज कर रहा हूं? रेप्लिकेशन कंट्रोलर। तो अब ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या करेगा, इस पॉड को मॉनिटर करता रहेगा। तो अगर इस पॉड को कुछ भी होता है तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, उस पॉड को डिलीट करके उसकी जगह नया पॉड क्रिएट कर लेगा। राइट? अब ये कंट्रोलर इस पॉड की 24/7 मैनेज करता रहेगा, कुछ हो तो तुरंत रिक्रिएट कर देगा। तो बोले तो AWS में VM के ऊपर जो ऑटो स्केलिंग कर रहा था ना, सेम काम यहां पर पॉड के ऊपर ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर यहां पर वो काम कर रहा है। तो ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर देखा जाए तो एकदम से पूरा ऑटो स्केलिंग का काम कर रहा है। राइट? पूरी की पूरी पॉड्स की मैनेजमेंट देख रहा है। इसी तरीके से आप इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर को ये भी बता सकते हो
कि भाई तू एक सिंगल पॉड को मत देख, तू नंबर ऑफ पॉड को देख। तो ऐसा भी हम बता सकते हैं, राइट, कि हमने यहां पर क्या किया, चार पॉड क्रिएट कर दिया, हमने क्या किया, चार पॉड क्रिएट कर दिया। ये हमारा हो गया पॉड नंबर टू और ये हो गया हमारा पॉड नंबर थ्री और ये हो गया हमारा पॉड नंबर फोर। ठीक है, तो हमने इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर को क्या बोला कि तू चारों के चारों पॉड को देख। तो हमारा रेप्लिकेशन कंट्रोलर अब क्या करेगा, चारों के चारों पॉड को मॉनिटर करता रहेगा। अब चारों में कोई भी पॉड को कुछ होता है तो क्या करेगा, उसे दोबारा से रिक्रिएट कर देगा। क्लियर। अब इन चारों पॉड में आपकी एप्लीकेशन चल रही है और इन चारों पॉड को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर यहां पर कंट्रोल कर रहा है। अब एक चीज और बताता हूं, अब रेप्लिकेशन कंट्रोलर को कैसे पता लगता है कि इन चार पॉड को ही उसे मैनेज करना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास तो नंबर ऑफ पॉड्स हो ना, लेकिन इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर को कैसे पता लगेगा कि नहीं इन चार को ही देखना है, इन पांच को ही देखना है। तो ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर ये काम करता है लेबल के बिहाफ में, लेबल के थ्रू काम करता है। अब लेबल क्या होता है, लेबल कुछ भी नहीं होता है, की वैल्यू पेयर है, आगे हमने लेबल का टॉपिक भी डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर को कैसे पता लगता है कि इन चार पॉड को ही देखना है, ये पता लगता है उसे लेबल के थ्रू। तो जब भी हम रेप्लिकेशन कंट्रोलर बनाते हैं तो हम रेप्लिकेशन कंट्रोलर को बता देते हैं कि तू क्या करना, हम रेप्लिकेशन कंट्रोलर में एक सेलेक्टर का कीवर्ड यूज करते हैं और इसे हम बता देते हैं कि तू उन्हीं पॉड को मैनेज करना जिसमें ये लेबल लगाओ टीम इक्वल टू डेव। तो अब ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर उन्हीं पॉड को देखेगा जिस पॉड में टीम इक्वल टू डेव लेबल सेट है, बोले तो एक टैग है। ठीक है, हालांकि आगे हम लेबल के बारे में और लेबल का अलग से टॉपिक हमने कवर किया है तो वहां पर डिस्क्राइब किया लेबल को बहुत अंदर तक जाके, अभी सिर्फ इतना ही समझिए। तो यहां पर एप्लीकेशन कंट्रोलर किसके बिहाफ में देख रहा है, लेबल के बिहाफ में, क्योंकि हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर को क्या बताया कि तू उन्हीं पॉड को देखना जिन पॉड में ये लेबल सेट हो, राइट। तो हजार पॉड होंगे तो ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर हजार पॉड को नहीं देखेगा, सिर्फ उन्हीं पॉड को देखेगा जिनमें ये टैग लगा हुआ है, राइट। अब यहां इसी के साथ साथ हमें रेप्लिकेशन कंट्रोलर को एक चीज और बतानी पड़ती है कि तू चार पॉड देख या पांच पॉड देख। तो अगर हमने चार पॉड बताया तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या करेगा, सिर्फ चार पॉड को ही देखेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि पांच पॉड है या छह पॉड है जिनमें भी ये लेबल लगा हुआ है उसे भी देख, नहीं देखेगा वो। अगर एप्लीकेशन कंट्रोलर को चार बताया तो चार को ही देखेगा, राइट, आपने छह बताया तो छह को ही देखेगा। ये इस तरीके से एप्लीकेशन कंट्रोलर इसको मैनेज कर रहा होता है। क्लियर। अब देखिए, अब इन पॉड में आपकी एप्लीकेशन चल रही है और उनको मैनेज कौन कर रहा है, एप्लीकेशन कंट्रोलर। लेकिन अब इन एप्लीकेशन को अगर कोई कस्टमर बाहर से इंटरनेट से एक्सेस करना चाहता है तो कैसे एक्सेस करेगा, मान लीजिए ये कस्टमर है। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि आप अपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर के ऊपर सर्विस बनाते हैं, तो सर्विस काइंड ऑफ एक लोड बैलेंसर की तरह काम करता है। तो अगर हम इन पॉड में चलने वाली एप्लीकेशन को बाहर कोई कस्टमर बैठा हुआ इंटरनेट पे वो एक्सेस करना चाहता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर के ऊपर हम लोग यहाँ पर सर्विस बना देंगे। और मैंने आपको बताया अभी था कि सर्विस के तीन टाइप होते हैं, एक तो क्लस्टर आईपी और दूसरा नोड पोर्ट, तीसरा लोड बैलेंसर। तो अगर आप बाहर के कस्टमर को एक्सेस देना चाहते हैं तो आप लोड बैलेंसर दे दें या नोड पोर्ट दे दें, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या दे दिया, लोड बैलेंसर दे दिया, सर्विस बना दिया मैंने यहां पर, एक सर्विस बनाया, सर्विस का टाइप मैंने क्या किया, लोड बैलेंसर। हालांकि आगे हम सर्विस की भी प्रैक्टिकल करेंगे, अभी सिर्फ एक थ्योरी कॉन्सेप्ट समझो इसको समझने के लिए। तो अब हमारा कस्टमर क्या करेगा, ये कस्टमर इंटरनेट के थ्रू कहां पे आएगा, इस सर्विस को हिट मारेगा और सर्विस को, सर्विस क्या करेगा, सर्विस और ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, राइट। तो ये सर्विस क्या करेगा, इन रेप्लिकेशन कंट्रोलर के बैकएंड में जितने पॉड है उनको ट्रैफिक फॉरवर्ड करता रहेगा, राइट। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सिनेरियो को समझें तो ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर आपका ऑटो स्केलिंग का काम कर रहा है और ये सर्विस आपके लोड बैलेंसर का काम कर रहा है। जिस तरीके से आप AWS में इंस्टेंस के ऊपर लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग दोनों ही लगाकर यूज करते हैं तभी जाके आपको एक 100% फंक्शनैलिटी मिल पाती है, तो इसी तरीके से ये रेप्लिकेशन कंट्रोलर काइंड ऑफ
ऑटो स्केलिंग का काम कर रहा है और ये सर्विस एक लोड बैलेंसर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी ट्रैफिक की फ्लो यहाँ पर बन जाती है। एक चीज और बता देता हूँ, आप अपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर को ये भी बता सकते हो कि अगर इन पॉड में लोड बढ़े, अगर इन पॉड में जो भी सीपीयू फिक्स किया गया है अगर उस सीपीयू की यूटिलाइजेशन 75% से ऊपर हो जाती है तो और भी 4 पॉड आ जाए, राइट। ऐसा भी बता सकते हैं, अगर इन रेप्लिकेशन कंट्रोलर को यह भी बता सकते हो कि अगर इन पॉड की सीपीयू यूटिलाइजेशन 25% से नीचे आ जाए तो 4 पॉड निकाल देना। तो एक प्रकार से ऑटो स्केलिंग भी पॉड का यहां पर ऑटोमेटिक हो सकता है, राइट। मैनुअल भी स्केलिंग कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी स्केलिंग कर सकते हो। तो काइंड ऑफ पूरा का पूरा ये ऑटो स्केलिंग की फंक्शनलिटी आपको दे रहा है यहां पर पॉड लेवल पे। तो ये था दोस्तों आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर। अब थोड़ा सा बात करते हैं रेप्लिका सेट के बारे में। तो रेप्लिका सेट भी सेम वैसा ही काम करता है जैसे रेप्लिकेशन कंट्रोलर है, लेकिन रेप्लिका सेट में थोड़ा सा आपको एडवांस फीचर है। अब वो एडवांस फीचर क्या आपको समझाता हूं। देखिए, आपने जैसे रेप्लिकेशन कंट्रोलर बनाया तो आपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर को क्या बोला कि भाई सेलेक्टर आपने बता दिया कि टीम इज इक्वल टू डेप। तो अब रेप्लिकेशन कंट्रोलर उन्हीं पॉड को मैनेज करेगा जिस पे क्या टैग लगा हुआ है टीम इज इक्वल, जिस पे क्या लेवल सेट है टीम इज इक्वल टू डेप। अब रेप्लिकेशन कंट्रोलर किसी और लेवल के पॉड को नहीं देख सकता और आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर पे ये जाकर भी नहीं बता सकते कि तू डेप इज इक्वल टू टीम को भी देख और सॉरी टीम इज इक्वल टू डेप को भी देख और टीम इज इक्वल टू प्रॉड को भी देख दे मैनेज कर। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर को आप दो दो लेवल नहीं डिफाइन कर सकते, उस पर ये फंक्शनलिटी ही नहीं है, वो किसी एक ही को सपोर्ट करेगा। या तो आप डेव टीम इज इक्वल टू डेव दे दें या तो फिर आप टीम इज इक्वल टू प्रॉड दे दें, राइट। लेकिन अगर आप रेप्लिका सेट में आते हैं तो आप रेप्लिका सेट में नंबर ऑफ लेबल सेट कर सकते हैं। तो समझाता हूं, मान लीजिए यहां पर मैंने रेप्लिका सेट बनाया, रेप्लिकेशन कंट्रोलर की जगह क्या बनाया मैंने यहां पर रेप्लिका सेट बनाया। तो रेप्लिका सेट को मैं यहां पर बता सकता हूं कि दो सेलेक्टर यहां पे बता सकता हूं कि एक काम कर तू डेव इसकल टीम इसकल टू डेव को भी मैनेज करना और टीम इसकल टू प्रॉड को भी मैनेज करना। ऐसे में इसको ये भी बता सकता हूं कि टीम इसकल टू टेक्स्ट वाले को मत देखना, मतलब मोर देन फंक्शनलिटी यहां पर सेलेक्टर लेबल को लेकर यहां पर है, बोले तो मल्टी लेबल आप सेट कर रहे हो। तो अब यहां पर क्या होगा कि जैसे यहां पर एक पॉड है, ये एक पॉड है, ये एक पॉड है, ये एक पॉड है। अब मान लीजिए ये आपका क्या है पॉड वन हो गया, ये आपका क्या है पॉड टू है, पॉड थ्री और ये हो गया पॉड फोर। तो अब मान लीजिए ये वाले पॉड में क्या लगा, ये वाले पॉड में डेव इक्वल टू टीम इक्वल टू डेव है और इस वाले पॉड में, राइट, और इस वाले पॉड में क्या है टीम इक्वल टू प्रॉड है, टीम इज इक्वल टू प्रॉड। तो अब रेप्लिका सेट क्या करेगा, उन पॉड को भी देखेगा जिसमें टीम इज इक्वल टू डेव है और उन पॉड को भी देख सकता है जिसमें टीम इज इक्वल टू प्रॉड है, मतलब यहां पर नंबर ऑफ लेबल सेट कर रहे हैं। लेकिन रेप्लिकेशन कंट्रोलर में ये चीज नहीं थी, तो ये डिफरेंशिएट है। इसी तरीके से अगर बाहर से कस्टमर एक्सेस करना चाहता है तो फिर यहां पर भी आप सर्विस क्रिएट करेंगे, राइट, सेम चीज यहां पर भी आएगी और सर्विस का टाइप आप लोड बैलेंसर रख दें, बस। अब ये इंटरनेट हो गया और ये कस्टमर ऐसे एक्सेस कर लेगा, क्लियर। तो आप लोगों से ना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर में और रेप्लिका सेट दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, तो अब आप बता सकते हैं। रेप्लिकेशन कंट्रोलर में आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर में सिर्फ सेलेक्टर एक ही बता सकते हैं, राइट, लेकिन रेप्लिका सेट में आप नंबर ऑफ बता सकते हैं। अब ये जो सेलेक्टर होता है दोस्तों, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है कि ये इक्विटी बेस्ड सेलेक्टर को सपोर्ट कर रहा है और ये सेट बेस्ड सेलेक्टर को सपोर्ट करता है रेप्लिका सेट। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर सिर्फ इक्विटी बेस्ड सेलेक्टर सपोर्ट करता है और रेप्लिका सेट जो होता है ना वो आपका इक्विटी बेस्ड सेलेक्टर भी सपोर्ट करता है और सेट बेस्ड सेलेक्टर भी सपोर्ट करता है। तो मोर देन फंक्शनलिटी यहां पर सेलेक्टर की अवेलेबल है। ये सारी चीजें हम जब सेलेक्टर के टॉपिक में लेवल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्क्राइब करेंगे, अभी सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी, ठीक है। तो इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ये
डिफरेंशिएट बता सकते हो कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट में ये डिफरेंशिएट होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे भी एक बड़ा डिफरेंशिएट है जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट में एक एक डिफरेंशिएट तो मैंने बता दिया, सेकंड डिफरेंशिएट सुनिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड डिफरेंशिएट यह है कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर में आपको रोलिंग अपडेट का फीचर मिलता है, लेकिन रेप्लिका सेट में आपको रोलिंग अपडेट नहीं मिलता। अब सवाल आती है ये रोलिंग अपडेट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इस रेप्लिका सेट के नीचे जो पॉड है, इन पॉड में जो एप्लीकेशन चल रही है उसमें एप्लीकेशन का जो वर्जन है 1.5 है, ठीक है। और मान लीजिए कल को एप्लीकेशन का वर्जन आ गया 1.9, तो अब मुझे अपडेट करना है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर में को रोलिंग अपडेट की मदद से मैं इन सारे पॉड, इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर के बैकएंड में जो पॉड है जिसमें 1.5 एप्लीकेशन है, मुझे 1.9 करनी है, तो मैं यहां पर रोलिंग अपडेट कर सकता हूं, क्लियर। लेकिन यहां पर रोलिंग अपडेट का फीचर नहीं है। यहां पर अगर मान लीजिए इन पॉड में अगर 1.5 एप्लीकेशन चल रही है और 1.9 करनी है, तो आपको अलग से पूरा का पूरा रेप्लिका सेट बनाना पड़ेगा, अलग से पूरा का पूरा वो पॉड बनाने पड़ेंगे जिसमें 1.9 आपको सेटअप करने पड़ेंगे सारा कुछ मैनुअली। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएट है जो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर में रोलिंग अपडेट मिलता है लेकिन रेप्लिका सेट में रोलिंग अपडेट नहीं मिलता है। तो यहां पर देखें तो एक फायदा भी हो रहा है रेप्लिका सेट में और एक घाटा भी हो रहा है, राइट। तो अब इन दोनों चीज, इन दोनों की डिफरेंशिएट को देखकर एक नया रेप्लिका रेप्लिकेशन टाइप बनाया गया, बोले तो एक नया पॉड कंट्रोलर बनाया गया जिसका नाम है दोस्तों डिप्लॉयमेंट। और आज के टाइम पर सबसे ज्यादा कंपनी में डिप्लॉयमेंट यूज होता है और सबसे डिमांडिंग में भी डिप्लॉयमेंट है। जब मैं आपको इसके फीचर बताऊंगा तो रियली आप रियलाइज करोगे कि डिप्लॉयमेंट सबसे बेस्ट है रेप्लिकेशन टाइप में पॉड कंट्रोलर पे। और अगर आप डिप्लॉयमेंट को समझ जाओगे तो आप अपनी इंडस्ट्री में भी रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट को नहीं यूज करोगे पॉड कंट्रोलिंग के लिए, आप पॉड कंट्रोलिंग के लिए डिप्लॉयमेंट को ही इस्तेमाल करोगे अगर इसके फीचर्स को आप समझ गए। तो चलिए समझाता हूँ डिप्लॉयमेंट आने का मतलब क्या हुआ। तो यहां पर देखिए रेप्लिका सेट में रोलिंग अपडेट नहीं मिल रहा था लेकिन नंबर ऑफ सेलेक्टर मिल रहे थे, ठीक है। यहां पर आपको रोलिंग अपडेट मिल रहा है लेकिन नंबर ऑफ सेलेक्टर नहीं मिल रहा है। तो अब डिप्लॉयमेंट में क्या हुआ कि रेप्लिका सेट के ही थोड़ा ऊपर काम किया गया और एक नई रेप्लिकेशन टाइप बना दी गई जिसका नाम डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। बोले तो डिप्लॉयमेंट में क्या है कि रेप्लिका सेट पूरा का पूरा सेम है, यहां पर पूरा का पूरा रेप्लिका सेट यहां पर सेम है, ये रेप्लिका सेट है, ठीक है। यहां पर आपने नंबर ऑफ सेलेक्टर बता रखा है, पूरा का पूरा सेम है, ये पॉड है, सॉरी ये हो गया आपका पॉड वन, ये हो गया आपका पॉड टू, ये हो गया पॉड थ्री, ये हो गया आपका पॉड फोर, और इस पे आपने क्या सेट कर रखा है, टीम इज इक्वल टू डेव, और इस पे आपने सेट कर रखा है टीम इज इक्वल टू डेव, और इस पे आपने सेट कर रखा है टीम इज इक्वल टू प्रॉड। तो देखा जाए तो सेम वही है पूरा का पूरा, लेकिन इसके ऊपर एडवांस काम किया गया और एक नया नाम दे दिया गया रेप डिप्लॉयमेंट। तो अब देखें, ठीक है, ये रेप्लिका सेट है। तो कहा जाता है कि रेप्लिका सेट के ऊपर आप डायरेक्ट सर्विस ना बनाए। इन्होंने क्या किया, रेप्लिका सेट पे बोला कि रोलिंग अपडेट नहीं मिलता ना, तो इन्होंने रेप्लिका सेट के ऊपर एक नया रिसोर्स ऐड कर दिया जिसका नाम है डिप्लॉयमेंट, बस बात खत्म। और इसका फायदा क्या है अभी बताता हूँ। डिप्लॉयमेंट कर दिया और कहा कि अब आप डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाए, क्या बनाए, आप सर्विस बनाने जा रहे हैं तो डिप्लॉयमेंट की बनाए सर्विस,
ये लो, ठीक है, और ये इंटरनेट है, और ये कस्टमर यहां हिट मार लेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, देखा जाए तो रेप्लिका सेट पूरा वैसे ही है, रेप्लिका सेट के ऊपर से इन्होंने डिप्लॉयमेंट ऐड कर दिया। अब डिप्लॉयमेंट ऐड करने का मतलब क्या है कि अब रोलिंग अपडेट यहां पर हो सकती है, तो अब रोलिंग अपडेट यहां पर हो सकती है और रोल आउट भी हो सकता है, राइट। तो आप जब डिप्लॉयमेंट यूज करेंगे तो वहां पर आपको रेप्लिका सेट भी मिलेगा, क्योंकि रेप्लिका सेट के ऊपर ही एक नया रिसोर्स ऐड किया गया डिप्लॉयमेंट, और आपको दे दिया गया, क्योंकि रेप्लिका सेट में डिप्लॉयमेंट नहीं, रेप्लिका सेट में आपको रोलिंग अपडेट नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि रेप्लिका सेट के फीचर को भी उठा लिया और रेप्लिकेशन कंट्रोलर के फीचर को भी उठा लिया और एक नया रिसोर्स ऐड कर दिया डिप्लॉयमेंट, और आपको बोला ये रेप्लिकेशन टाइप यूज करिए, डिप्लॉयमेंट सबसे बेस्ट है। तो ये डिप्लॉयमेंट जो है पॉड कंट्रोलिंग के लिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, डिप्लॉयमेंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिलता है। अब कई बार देखो इंटरव्यू में आपको फंसा सकते हैं, किस बात पे कि यार रेप्लिकेशन कंट्रोलर पे और रेप्लिका सेट पे, रेप्लिका सेट में सिर्फ नंबर ऑफ लेबल्स आपको मिल रहा है लेकिन रेप्लिकेशन कंट्रोलर पे सिंगल लेबल मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं सिंगल लेबल ही यूज करना चाहता हूं तो क्या मैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर को यूज करूं कंपनी में, ये बेस्ट है, क्योंकि रोलिंग अपडेट तो मिल ही रहा है, मैं डिप्लॉयमेंट में नहीं जा रहा हूं। तो नहीं दोस्तों, ये बेस्ट नहीं है, क्यों समझाता हूं। अगर आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर में अगर आप रोलिंग अपडेट का फीचर तो है, लेकिन जब आप रोलिंग अपडेट करते हैं ना तो बैकएंड में क्या होता है वो समझिए। तो जब आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर में अगर आप रोलिंग अपडेट करते हैं तो एक नया रेप्लिकेशन कंट्रोलर यहां पर बनता है, एक नया रेप्लिकेशन कंट्रोलर बनता है और पुराना वाला रेप्लिकेशन कंट्रोलर डिलीट हो जाता है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही नया रेप्लिकेशन कंट्रोलर बनेगा सारे पॉड यहां शिफ्ट होंगे, फिर ये डिलीट हो जाएगा, तो इसकी कनेक्टिविटी सर्विस के साथ बनी हुई है, फिर जब ये डिलीट हो जाएगा तो इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर की कनेक्टिविटी सर्विस के साथ बन जाएगी। तो आप देखें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाउन टाइम मिल जाएगा, राइट, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन टाइम आ रहा है, क्लियर। इसी तरीके से यहां पर मान लीजिए आपने रोलिंग अपडेट किया, अब रोलिंग अपडेट फेल्ड हो गया तो आप रोल आउट नहीं कर सकते, यहां पर डायरेक्टली एक बैक स्टेप पे नहीं जा सकते, यहां पर अगर रोल आउट करना है तो दोबारा से आप रोलिंग अपडेट करिए पुरानी वाली चीजों को। तो ये तरीका था रोल आउट का। तो आप यहां पर देखें डाउन टाइम आपको आ रहा है, राइट। लेकिन अगर आप डिप्लॉयमेंट के केस में अगर आप रोलिंग अपडेट करते हैं तो आपको डाउन टाइम नहीं आता। कैसे नहीं आता समझा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि जब हम डिप्लॉयमेंट में अगर रोलिंग अपडेट करते हैं, जैसे एप्लीकेशन 1.5 चल रही है, एप्लीकेशन 1.9 करना है, तो जब हम डिप्लॉयमेंट के केस में रोलिंग अपडेट करते हैं तो होता क्या है कि सबसे पहले यहां पर एक नया रेप्लिका सेट बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही नया रेप्लिका सेट बना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये समझने वाली, यहां पर जैसे ही हम डिप्लॉयमेंट में रोलिंग अपडेट करते हैं तो एक नया रेप्लिका सेट बना और नया रेप्लिका सेट की एंट्री ये डिप्लॉयमेंट अपने अंदर कर लेगा, तो इस डिप्लॉयमेंट के पास दो रेप्लिका सेट हो जाते हैं, राइट। अब क्या करता है, अब ये रेप्लिका सेट क्या करेगा, एक पॉड यहां पर बनाएगा और अपने अंदर ऐड कर लेगा, ठीक है। जैसे ये पॉड यहां पे रेडी हो गया, अब क्या करेगा, इसको हटा देगा, क्योंकि इन पॉड में 1.5 चल रहा है और इस पॉड में क्या आ गया 1.9, ठीक है। तो अब इसको एक हटा दिया, उसके बाद क्या करेगा, दूसरा पॉड बनाया 1.9 एप्लीकेशन के साथ। अब जब दूसरा भी यहां रेडी हो गया तो यहां से दूसरा भी हटा देगा, उसके बाद अब तीसरा बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, ये तीसरा बनाएगा। अब तीसरा भी जब रेडी हो गया तो यहां से हटा देगा। अब इस वाले रेप्लिका सेट में एक ही बचा है। अब ये डिप्लॉयमेंट क्या करता है, डिप्लॉयमेंट के पास बाहर से कोई ट्रैफिक आती है तो इस रेप्लिका सेट के पॉड को भी देगा और इस रेप्लिका सेट के भी पॉड को देगा, क्योंकि दोनों को देख रहा है वो। उसके बाद क्या हुआ, अब यहां पर एक और बना लिया, राइट। और जब ये रेडी हो गया तो अब क्या करेगा, इसके सारे पॉड हटा देगा और इस रेप्लिका सेट को भी डिलीट नहीं करेगा, इस रेप्लिका सेट को वैल्यू जीरो कर देगा और इस रेप्लिका सेट की वैल्यू वन कर देगा। अब ये रेप्लिका सेट चल रहा है, ठीक है, अब ये रेप्लिका सेट रिस्पॉन्स कर रहा पूरा का पूरा। अब अगर मुझे लगता है कि यार ये रोलिंग अपडेट में यहां पर एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं चल रही है तो मैं वापस से रोल आउट कर सकता हूं, रोल बैक जा सकता हूं, क्योंकि ये रेप्लिका सेट डिलीट नहीं हो रहा है, ये इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसकी वैल्यू वन हो गई, तो मैं वापस से रोल आउट कर सकता हूं, तो दोबारा से यही आ जाएगा मेरे पास। तो ये रोल आउट का फीचर भी यहां पर मिल रहा है, जो आपको रेप्लिकेशन कंट्रोलर में रोल आउट का फीचर नहीं है,
राइट, आपको दोबारा से नया बनाना पड़ता था। इस तरीके से आप देखो डाउन टाइम भी नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग में है रेप्लिकेशन टाइप, वो है डिप्लॉयमेंट। मेरी लैंग्वेज में बोले तो सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग में पॉड कंट्रोलर है वो है डिप्लॉयमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिप्लॉयमेंट। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों रेप्लिकेशन टाइप आप समझ गए होंगे। बोले तो ये तीनों पॉड कंट्रोलर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले तो कुबरनेटिस की असली टॉपिक ही यहीं से स्टार्ट होती है। अभी तक तो जो था हम सिर्फ एक क्लस्टर सेटअप कर रहे थे, असली टॉपिक कुबरनेटिस की इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है। बोले तो इसी तरीके से दोस्तों, जो भी चीज मैंने आपको बताई, अगर आप इसको इसके डॉक्यूमेंटेशन चाहते हो, अगर आप इसको रीड करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कहां से रीड करना है। ये सबसे बढ़िया है, राइट, इस लिंक पे चले जाना। वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हो ये लिंक। हालांकि आप गूगल पे जाकर आप यहां पर लिखेंगे क्यूबरनेटिस रेप्लिकेशन कंट्रोलर तो आपको यहां पे मिल जाएगा, लेकिन इससे भी बेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये आपको मिल तो जाएगा, लेकिन इससे भी बेस्ट आप इस लिंक पे चले जाना, वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हो। मैं आपको बता दिया हूं ये, ठीक है ना। ये वीडियो को पॉज करिए और कॉपी कर लीजिए। तो आप इसको पढ़ें, Kubernetes Replication Controller, Replica Set and Deployment, Understanding Replication Option। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि what is Kubernetes Replication for, देख सकते हैं, Reliability, Load Balancing, Scaling, सारे फीचर मिल रहे हैं। Types of Kubernetes Replication, देखिए Replication Controller हर चीज़ बताया है यहाँ पर, देखिए With Lab भी बताया, आगे हम लोग Lab भी करेंगे, राइट। उसके बाद आप Replica Set को पढ़िए, उसके बाद आप Deployment को पढ़ें, यहाँ पर Deployment भी इसमें यहां पर है, ये देखिए। ये देखिए डिप्लॉयमेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, इसमें प्रैक्टिकल भी काफी अच्छा बताया हुआ है। तो मेरी वीडियो को वॉच करने के बाद आप इस डॉक्यूमेंटेशन को एक बार और रीड कर लें, आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, ये थी हमारी एक थ्योरी की वीडियो, ठीक है, जो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट के बारे में। इसी के साथ साथ हम लोग अगले वीडियो में इनकी प्रैक्टिकल के साथ मिलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रेप्लिकेशन कंट्रोलर कैसे वर्क करता है, फिर हम लोग उसके बाद की वीडियो में देखेंगे रेप्लिका सेट, उसके बाद के वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम लोग डिप्लॉयमेंट, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे सर्विस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप सर्विस की लैब देखेंगे कि सर्विस जब आप बनाते हैं, चाहे वो सर्विस रेप्लिकेशन कंट्रोलर की बनाएं, चाहे रेप्लिका सेट की बनाएं, चाहे डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाएं, तो सर्विस के जो तीन टाइप होते हैं, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, ये सारी चीज़ें हम बाद के वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट में इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो आप इसे अच्छे से लिसन करें, अच्छे से वॉच करें, तो आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चंस रेडी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पर स्टॉप, और इसी के साथ साथ अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसकी प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।